जय माता दी। मैं ज्योतिष आचार्य संजीत कुमार मिश्रा। सूर्य कर रहे हैं तुला राशि में गोचर राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रभाव पड़ेगा उसके लेकर के बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो है सूर्य को ग्रहों का मंत्री कहा जाता है। नौ ग्रह में जो है सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है। यह ग्रह जो है स्वभाव से गतिशील ग्रह माना जाता है। सूर्य ग्रह शुभ भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जो है बेहतर होता है, व्यक्ति के जीवन में शुभ काम होते हैं। सूर्य उच्च के माने जाते हैं। तो मेष या वृश्चिक राशि में बैठते हैं तो इनका प्रभाव जो है सकारात्मक बन जाता है। जब वह तुला राशि में गोचर करते हैं, इस राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, जिसके चलते जन्म कुंडली में इनका सूर्य का स्थान जो है पांचवा स्थान है, जो संतान तथा शिक्षा के कारक होते हैं। जिनके कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं उनके भाग्य में जो है रुकावट बन जाता है। आपके वाणी के प्रभाव जो है कम हो जाता है, समाज में आपका प्रभाव जो है कम हो जाता है, कैरियर में रुकावट हो जाते हैं और आपके स्वभाव जो है काफी उग्र हो जाते हैं। घर में जो है ऊर्जा देने वाली जो वस्तुएं हैं वो जो है खराब हो जाते हैं। जिस घर में सूर्योदय से लेकर के संध्या तक सूर्य की रोशनी नहीं मिले उस परिवार में सूर्य जो है पहले से ही खराब रहते हैं और इस कंडीशन में और उनके परिवार के ऊपर तकलीफ बढ़ जाता है। सूर्य के उच्च होने से धन का आपका लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तो कैरियर के साथ आपका ठीक ठाक रहेगा, सरकारी अधिकारी का सहयोग मिल जाता है, नौकरी में जो है सफलता मिल जाता है। इसलिए जो है वेदों में सूर्य को जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कब कर रहे हैं सूर्य अपना राशि परिवर्तन उसके लेकर के बताता हूं। तो सूर्य जो है कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में जो गोचर करेंगे वो 18 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:18 पर जो है ये गोचर कर जाएंगे। इन सूर्य के गोचर से जन्म कुंडली के 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लेकर के हम आपको बताते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। अब हम आपको बताते हैं अगला राशि कैसा रहेगा सूर्य के गोचर के बाद। तो मेष राशि है। मेष राशि वाले के बौद्धिक क्षमता जो है का विकास होगा, शिक्षा में उन्नति होगी, संतान से जो है लाभ होगा, संतान का उन्नति होगी। जो लोग कानूनी या उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो है यह बेहतर होने वाला है और स्वास्थ्य जो है आपका ठीक नहीं रहेगा। वाणी पर जो है आप नियंत्रण रखे बढ़िया रहेगा। व्यापार जो है ठीक ठाक नहीं चलेगा। अगला राशि जो है वृष राशि है। वृष राशि वाले के लिए आपके लिए सचेत रहने की जरूरत है। आपके लिए यह गोचर बेहतर नहीं है। आर्थिक स्थिति आपका जो है ठीक नहीं रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है। कई तरह के समस्या को लेकर के जूझना आपको पड़ सकता है। शत्रु जो है परेशान करेंगे, खर्च पर नियंत्रण करें। पारिवारिक सुख में भी कमी दिखाई देगा। पत्नी के साथ भी संबंध ठीक नहीं रहेगा वृष राशि वाले को। अगले राशि जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जो है सोच समझ कर निर्णय लें। व्यापारी नया निवेश नहीं करे इस समय में, नया निवेश करते हैं तो आपको हानि होने वाला है। जो लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे हैं, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनको जो है लाभ मिलेगा। धन का सही उपयोग करें, बेवजह का यात्रा आप नहीं करें बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य आपका जो है ठीक ठाक रहेगा। अगला राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि वाले को लिए ये गोचर जो है मिला जुला रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें नौकरी में सचेत रहने की जरूरत है। विदेश में यात्रा का योग बन रहा है और या योग तो बन रहा है लेकिन उसमें कई तरह से परेशानी आपको बन जाएगी। आपके व्यापार जो है ठीक ठाक चलेगा। पैसा का लेन देन करते समय जो है सावधानी बरते हैं। आपके आंख या एलर्जी में कई तरह से जो है समस्या बन जाएगा। अगला राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जो है नौकरी करने वाले के लिए आपके लिए अचानक जो है बदलाव आने वाला है। यात्रा बनेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको लाभ मिलने वाला है। आय का स्रोत आपका ठीक ठाक रहेगा। जो लोग लिविंग रिलेशन में है वो सचेत रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा। मौसमी समस्या आपके ऊपर बनेगा थोड़ा। जैसे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो डॉक्टर से सलाह ले लें। अगला राशि जो है कन्या राशि है।
मानसिक स्थिति कन्या राशि वाले को ठीक नहीं रहेगा। यह गोचर जो है आपको मिला जुला रहने वाला है, खर्च आपका बढ़ जाएंगे। सोच समझ करके निवेश करें, निवेश करने के पहले ध्यान दें, बेवजह के झंझट में नहीं पड़े, परिवार में जो है शांति बनाए रखे, आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। असमंजस की स्थिति नहीं बनाए, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। अगला राशि जो है वो तुला राशि है। आपके द्वारा तुला राशि द्वारा किए हुए कार्य में जो है विलंब होने वाला है, चूंकि सूर्य आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। काम में जो है संतुष्टि नहीं मिलेगा, नया निवेश नहीं करें इस समय, कार्य में आपका रुकावट होगा, पत्नी के साथ भी असमंजस की स्थिति बन जाने वाली है। परिवार में कोई नए परियोजना बनेगा, उस परियोजना पर खर्च जो है बढ़ जाएंगे, जिसके चलते परेशानी बनेगा, स्वास्थ्य भी आपका बाधित रहेगा। इसलिए कभी भी काम करते समय सोच विचार कर निर्णय ले, सोच विचार के कार्य करें बेहतर रहेगा। अगला राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले को यह गोचर जो है बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगा, आपके अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा, करियर जो है बेहतर रहने वाला है, शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे, आय के स्रोत भी जो है आपका ठीक ठाक रहेगा। आपके द्वारा किए हुए जितने भी मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं और मेहनत जो है जीवन में आपका रंग लाने वाली है। परिवार में मान सम्मान जो है ठीक ठाक रहेगा। अगला राशि की बात करते हैं, वो धनु राशि है। धनु राशि के लोग जो है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वह जो है सफल हो जाएंगे, व्यापार में सफलता मिलेगा। आप अगर साझे में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोग करें, बहुत ही बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले को। प्रेम संबंध मजबूत होगा, पत्नी के साथ जो है यात्रा पर जा सकते हैं। अगला राशि जो है मकर राशि है। मकर राशि वाले को सोच समझ के जो है सचेत रहें, काम का दबाव ज्यादा रहेगा, कई तरह से चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, व्यापार में जो है नुकसान हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएंगे, दांपत्य जीवन में करवाहट बनेगा। अपनी वाणी पर जो है नियंत्रण रखें मकर राशि वाले को, यह गोचर जो है आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। अगला राशि जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले, आपके लिए यह गोचर जो है काफी अनुकूल रहने वाला है, व्यापार आपका ठीक ठाक रहेगा, इसमें मुनाफा जो है आपका बढ़िया रहेगा। व्यापार से रुके हुए सभी कार्य जो है आपके पूर्ण हो जाएंगे। धन के लिए यह जो है गोचर बहुत ही बेहतर है, प्रेम संबंध के लिए बहुत बेहतर है, पारिवारिक मान सम्मान भी इसमें बहुत बढ़िया बनेगा, परिवार में एक दूसरे के साथ तालमेल भी आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा इस गोचर के अंतर्गत। अगला राशि जो है मीन राशि है, अंतिम राशि है। आपको इस अवधि में सतर्क रहने की जरूरत है मीन राशि वाले को, क्योंकि आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, मानसिक स्थिति आपका ठीक ठाक नहीं रहेगा मीन राशि वाले को, पुराना रोग जो है आपको उभर सकता है। क्या करें उपाय, जिन लोगों को है सूर्य खराब है, उपाय जो रहेगा, रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन डालकर, लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, आपको जो है लाभ मिलेगा। रविवार को रोटी में गुड़ मिला करके गाय को खिलाएं, तभी आपके लिए बढ़िया होगा। रविवार को सूर्य का मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम सूर्याय नमः का एक माला अगर जाप करते हैं तो आपके लिए फायदा मिलेगा। रविवार को गेहूं का भी अगर दान करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम चाहेंगे कि भगवान सूर्य जो है आपके जीवन में उन्नति दे, आपके जीवन में प्रकाश दे, और आपके जीवन में जो परेशानी बनी हुई है वो आपका दूर हो जाए, आप जो है सुखी संपन्न बने रहे। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फिर से मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। अगर किसी तरह की आपकी तकलीफ है या सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव लेना चाहते हैं, तो हमारा दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक जो है जय माता दी।